जो बच्चे समर वेकेशन में कहीं घूमने नहीं जा रहे, नानी घर, दादी घर या किसी रिलेटिव्स के घर नहीं जा रहे छुट्टियां मनाने, या फिर जा भी रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप कैसे अपने समर वेकेशन को यूटिलाइज़ कर पाएँ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। बट उससे पहले बता दूँ कि बच्चे जैसे आपके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, वैसे ही छुट्टियों में घूमना फिरना, रिलेटिव्स के घर जाना भी ज़रूरी है। पढ़ाई तो आपका पूरे साल चलता रहेगा बट छुट्टियाँ मिलेगी नहीं, तो यस इस छुट्टियों में आप घूमें फिरें, मज़ा भी करें, तभी तो आपका माइंड फ्रेश होगा। और बच्चे अगर खुश होंगे तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। तो हो सके तो समर वेकेशन में ज़रूर घूम आए कहीं, घर वापस आने के बाद आप भी तैयारी कर सकते हैं मैं जो तरीका बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो बात करते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन ट्यूशन या सेल्फ स्टडी या होम ट्यूशन, इनमें से कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तैयारी के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है होम ट्यूशन। अगर आपको कोई बढ़िया टीचर मिलते हैं जो आपके घर पे आके आपको आपके स्कूल के चैप्टर्स के साथ ही सैनिक स्कूल के सिलेबस को भी अच्छे से पढ़ा पाएँ, तो आप होम ट्यूटर से पढ़ाई कर सकते हैं। होम ट्यूटर्स आपको ज़्यादा पैसे लेंगे क्योंकि वो आपके घर पे आके पढ़ाएंगे, बट होम ट्यूशन सबसे बढ़िया तरीका इसलिए है क्योंकि बच्चे को ट्यूशन जाना नहीं पड़ रहा है, तो उसका टाइम सेव हो रहा है, उस टाइम पे वो रेस्ट कर सकता है या एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकता है। अगला बढ़िया तरीका है कि ऑफलाइन ट्यूशन। तो घर के पास अगर कोई अच्छा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर या कोचिंग हो जहाँ बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी के साथ ही स्कूल के बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए, तो बच्चे आप ऐसे ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये भी ध्यान रखें कि ये जो ऑफलाइन ट्यूशन है ये घर से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि फिर बच्चे को जाने आने में वो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा, उसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तैयारी के लिए तीसरे नंबर पर आता है ऑनलाइन ट्यूशन। ऑनलाइन ट्यूशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है लाइव क्लासेस, एक होता है रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस में आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आपको बस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वहीं लाइव क्लासेस में आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। बट ऑनलाइन ट्यूशन का क्या होता है कि उसमें काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, तो फिर इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। ऑनलाइन ट्यूशन या कोचिंग में आपको ऑफलाइन ट्यूशन और होम ट्यूशन से कम पैसे लगते हैं, बट अगर आप थोड़ा पैसे ज़्यादा दे सकते हैं तो फिर होम ट्यूशन या ऑफलाइन ट्यूशन को ही प्रेफर करें, क्योंकि ऑनलाइन ट्यूशन में बच्चे को मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बहुत देर तक बैठे रहना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, जिससे बच्चे की आँख कमज़ोर हो सकते हैं, और अगर हाई पावर का चश्मा लग जाता है तो बच्चे को सैनिक स्कूल के मेडिकल टेस्ट से रिजेक्ट होने का चांसेस हो सकते हैं। बढ़िया होम ट्यूशन या ऑफलाइन ट्यूशन ना मिलने पर ही बच्चे को ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करवाएं। तो ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करने पर ध्यान दें कि बच्चा पढ़ाई के अलावा बाकी एक्स्ट्रा टाइम मोबाइल या लैपटॉप सामने ना बिताए, और बच्चे के आई साइट ठीक रखने के लिए विटामिन ए रिच फूड्स जैसे गाजर, पालक साग, चना, ये सब खिलाए बच्चे को। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अगला तरीका है सेल्फ स्टडी। मानसिक स्थिति या अदर प्रॉब्लम्स के वजह से जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से पढ़ाई करके कैसे तैयारी करनी है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप चाहें तो उस वीडियो से आइडिया ले सकते हैं। बात करते हैं कि तैयारी के लिए बच्चों का टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए। ट्यूशन या कोचिंग वाले बच्चों का तो टाइम टेबल बना ही होगा ट्यूशन का, उन्हें बस ट्यूशन के बाद का रिवाइज और प्रैक्टिस करने का टाइम टेबल बनाना है। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को चैप्टर्स खुद से पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस और रिवाइज सब करना होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम देना होगा और एक कंप्लीट टाइम टेबल बनाना होगा। तो क्लास 6 और 9 में एडमिशन के लिए कोचिंग या ट्यूशन वाले बच्चे और सेल्फ स्टडी वाले बच्चे सभी के लिए मैंने रफ टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल मैंने आपके स्कूल की पढ़ाई, होमवर्क्स और खेलने के टाइम को ध्यान रखते हुए ही बनाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेरे टाइम टेबल को बच्चे किसी भी टाइम फॉलो कर सकते हैं, और बच्चा चाहे तो टाइम टेबल के सब्जेक्ट्स को कुछ सुबह, कुछ शाम, कुछ दोपहर को ऐसे अलग अलग करके भी पढ़ सकता है। तो पहले देख लेते हैं कोचिंग या ट्यूशन वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल। ट्यूशन वाले बच्चे, आपको ट्यूशन में जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसे रिवाइज और प्रैक्टिस करना है, एंड उसके बाद मेरे बताए गए टाइम टेबल्स फॉलो करने हैं। ट्यूशन या कोचिंग वाले बच्चों के लिए मैंने 3 घंटे का टाइम टेबल बनाया है क्लास 6 और 9 दोनों के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 6 का। तो मैंने 2 स्लॉट्स बनाए हैं 1 आवर 30 मिनट्स का। बच्चे चाहे तो 1 स्लॉट का सब्जेक्ट सुबह पढ़ सकता है और 1 स्लॉट के सब्जेक्ट शाम में, और अगर लगातार पढ़ना चाहे तो एटलीस्ट 15 मिनट का ब्रेक दोनों स्लॉट्स के बीच जरूर ले। तो मंडे को बच्चा मैथ्स और इंटेलिजेंस पढ़ेगा, ट्यूसडे को मैथ्स और इंटेलिजेंस, वेडनेसडे मैथ्स जीके, थर्सडे मैथ्स जीके, फ्राइडे मैथ्स लैंग्वेज, सैटरडे मैथ्स लैंग्वेज,
संडे को 4 स्लॉट्स बनाए हैं, मैथ्स का 1 घंटा, जीके 40 मिनट्स, इंटेलिजेंस 40 मिनट और लैंग्वेज 40 मिनट्स। अगर बच्चे के ट्यूशन का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो तो इस टाइम टेबल के टाइम स्लॉट्स को थोड़ा कम करके बच्चा पढ़े। इसके अलावा अगर बच्चा चाहे तो सेकेंड स्लॉट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऊपर नीचे करके पढ़ सकता है, यानी कि दूसरे दिन में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकता है। बट मैथ्स को डेली पढ़ना है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए कोचिंग या ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। इनके लिए भी मैंने 2 स्लॉट्स बना रखे हैं 1 आवर 30 मिनट्स के, जिसे वो 2 टाइम पढ़ सकते हैं, सुबह या शाम या दोपहर। इनके लिए मैंने रखा है मंडे ट्यूसडे मैथ्स और साइंस, वेडनेसडे थर्सडे मैथ्स और सोशल साइंस, फ्राइडे सैटरडे मैथ्स और इंग्लिश, और संडे को 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है और 2 घंटा इंटेलिजेंस पढ़ना है। सेकेंड स्लॉट्स के सब्जेक्ट्स के लिए आप डेज चेंज कर सकते हैं, बट मैथ्स डेली रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी वाले बच्चों का कैसा टाइम टेबल होना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैंने 5 आवर्स का टाइम टेबल बनाया है, जिसमें 1 2 घंटे का स्लॉट है और 3 है 1 1 घंटे के स्लॉट्स। तो मंडे टू सैटरडे 2 घंटे वाले स्लॉट्स में आपको मैथ्स पढ़ना है डेली। मंडे ट्यूसडे को आप लैंग्वेज और जीके पढ़ें 1 घंटे के स्लॉट्स में। वेडनेसडे थर्सडे जीके और इंटेलिजेंस, और फ्राइडे सैटरडे को लैंग्वेज और इंटेलिजेंस। और बाकी के 1 घंटे के स्लॉट्स में आप स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और रिविजन करेंगे। इस 1 घंटे के स्लॉट को आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। और संडे के लिए सारे 1 1 घंटे के स्लॉट्स हैं 5, उसमें 1 1 घंटे में आपको मैथ्स लैंग्वेज जीके इंटेलिजेंस पढ़ने हैं, और जो 5वां स्लॉट है उसमें आप स्कूल के बाकी सब्जेक्ट्स और रिविजन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 9 वाले बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी वाला टाइम टेबल। क्लास 9 वाले बच्चों के लिए मैंने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, जिसमें 4 स्लॉट्स हैं। पहला स्लॉट 2 घंटे का है, फिर 1 घंटे का स्लॉट, फिर 1 घंटे का और एक स्लॉट, और उसके बाद फिर 2 घंटे का स्लॉट। तो पहले 2 घंटे के स्लॉट में मंडे टू सैटरडे आप मैथ्स पढ़ेंगे। 1 1 घंटे के स्लॉट में मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को आप रखेंगे साइंस और इंग्लिश, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप रखेंगे SST और इंटेलिजेंस। इसके बाद का जो 2 घंटे का स्लॉट है उसमें आप स्कूल के बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, और अगर टाइम बचा तो रिविजन करेंगे। संडे के लिए आपके टोटल 6 स्लॉट्स हैं, सारे 1 1 घंटे के हैं। संडे को सारे सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और इंटेलिजेंस सभी को 1 1 घंटा देंगे, और बाकी का जो 1 घंटे का स्लॉट है उसमें आप रिवाइज करेंगे और स्कूल के बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो ये थे रफ टाइम टेबल सभी कैटेगरीज के बच्चों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डिट्टो सेम टू सेम टाइम टेबल फॉलो करना है, आप अपना खुद का टाइम टेबल भी बना सकते हैं अपने माइंड के हिसाब से कि कौन सा सब्जेक्ट आप कब पढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से, और स्लॉट्स के टाइम भी आप कम या बढ़ा सकते हैं। बट जो ज़रूरी है कि चाहे आप क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हों या फिर क्लास 9 के लिए, मैथ्स आपको डेली ही पढ़ना है क्योंकि मैथ्स मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए मार्क्स भी ज़्यादा रहते हैं। किन बच्चों को ऑफलाइन ट्यूशन करना चाहिए, किन्हें ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए और किन्हें सेल्फ स्टडी करना चाहिए, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। ऑल्सो उसी वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया है कि सेल्फ स्टडी अगर बच्चा करना चाहे तो कैसे करे, तो वो वीडियो आपको आई बटन पे शो कर रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप में से 96.6% बच्चे चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओनली 3.4% लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल को। तो अगर इस चैनल के वीडियोस से आपको हेल्प होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बनाऊं। ओके, कीप स्टडिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।